तो एक बार ना एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है कि अरे आर यू अ वेजिटेरियन, तो दूसरा बंदा कहता है यस। तो फिर वो बंदा कहता है कि अरे इसका मतलब तुम तो बहुत प्यार करते होगे एनिमल्स से। तो वो कहता है नहीं, आई हेट प्लांट्स। मनोज को कॉल करके ये बताने वाली थी कि समर में ये पॉट्स वगैरह का कैसे ख्याल रखते हैं। तो मुझे ध्यान आया, मम्मी ने एक ट्रिक बताई जो मुझे बहुत ही फनी लगी, तो मैं वो बता मैंने सोचा मैं आप लोगों को साथ भी वो शेयर कर सकती हूँ। मम्मी कहती है कि ये लोग भी हमारी बातें सुन रहे होते हैं और हमें देख रहे, मतलब ये भी इनका भी रहता है इंसानों जैसा ही, इनको भी गर्मी ठंडी सब लगती है। तो बिकॉज समर्स है तो आप इसमें, मतलब मनोज कह रहे थे कि आप इसमें साइड में ऊपर की तरफ आइस के क्यूब्स रख देना, धीरे धीरे उनको थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी पूरे दिन में मिलता रहेगा। तो मुझे इतना फनी लगा कि उनको क्यों आइस का पानी दो। मैं बोली नहीं 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 वो भी बच्चे हैं मेरे, उनको भी ऐसे ही चाहिए होता है। वैसा मुझे याद आया कि हम जब पुणे में थे तो हमारे घर में 40 पॉट्स थे बड़े, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे 40 थे पूरे घर में। तो हमारे नीचे जो नेबर थी वो हमेशा हमारे घर में आती थी, तो वो कहती थी, करज खड़े आंटी थी, वो कहती थी कि तुमचा घर ही आला ना तो लगता कि मी महाबलेश्वरला आले, मतलब मैं जब यहाँ तुम्हारे यहाँ आती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं महाबलेश्वर आई हूँ। महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में। तो और लोगों के घर से हमारे घर का टेम्परेचर इतना डाउन होता था बिकॉज ऑफ प्लांट्स। तो अगर आप प्लांट्स लगाते हैं या, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समझो जैसे मैं इतना ज़्यादा केयर नहीं कर पाती जितने मेरी मम्मी करती है, या उससे थोड़ा कम मनोज करता है। तो मैं सोचती हूँ कि मनोज करता है चलो हमारे घर में कोई ना कोई तो करता ही है। तो एक या दो प्लांट एटलीस्ट आप लगाएं और अपने साथ रखें, मतलब ऐसा अपने रूम में रखें या कुछ भी। आजकल तो इतने सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो जिनको ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ज़्यादा एयर प्योरीफायर्स होते हैं वो। क्योंकि हम बहुत लोग अब घर पे ही रह रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, तो एक एनर्जी भी अच्छी बनी रहती है और उनको देख के भी अच्छा लगता है, कोई आपके साथ है ऐसा महसूस होता है। और वो सच है, मम्मी तब कहती थी, तब हमारे स्कूल में था एक चैप्टर 6th में, डॉक्टर बोस ने कहा था कि इवन प्लांट्स दे कैन फील, दे कैन लिसन टू यू, टॉक टू देम, मतलब ऐसा एक चैप्टर था अगर आप लोगों को याद होगा तो, मेरे महाराष्ट्र बोर्ड में तो था। तो उसमें ऐसा था कि इनको भी सब समझ में आ रहा होता है, लिविंग बींग्स वो एट द एंड ऑफ द डे, सो उनका भी उतना ही केयर करना है उनको भी। मेरी मम्मी तो इनको ऐसा करती है, मतलब अगर कोई पंछी इसको काट जाता है तो उस पर फिर रोने लग जाती है या कुछ ऐसा रहता है, तो मतलब वो एकदम बच्चे की जैसे केयर करती है उनकी। तो आप लोग भी जब आप लोग बना रख, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी सब, हम सब लोगों को
कुछ ना कुछ प्लांट्स घर पे, चाहे हम घर फ्लैट में रहते हैं या किसी के बंगलोज होंगे तो वो तो ऑफकोर्स ये अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जिनके घर भी हैं वो ये ना सोचे कि नहीं हमारा घर है तो हम नहीं कर सकते। चाहे अपने स्टडी टेबल पे एक छोटा सक्यूलेंट का प्लांट या होंगे एक मतलब छोटे छोटे प्लांट्स। अब देखिए मेरे को एक्चुअली इतनी नॉलेज नहीं है, हर एक का नाम याद नहीं रहता, पर मेरे घर में ये हुआ है कि पहले मम्मी रखती थी अब मनोज रखता है, तो मेरे घर में तो चल जाता है। तो अपने घर में या तो किसी को पकड़ लीजिए जो ऐसा करते हो, या आप खुद एक प्लांट रख लीजिए। मैं बस एक प्लांट रखती थी पहले, बहुत पहले से, जब मम्मी मतलब मैं जब हॉस्टल शिफ्ट हो गई उसके बाद जब मैं अकेले रहने लगी तो मम्मी ने एक प्लांट दिया था, वो प्लांट मेरे साथ हमेशा रखता रहता था, तो मैंने उसका नाम गोलू रखा था। तो ऐसे ही अभी हमने घर पे अपने बॉम्बे में हमारे घर पे भी दो प्लांट्स रखे, उनका भी नाम रखा है, एक का गोलू एक का पोलू। वो गोलू की याद में, क्योंकि वो गोलू बेचारा मर गया था, मैं इतना शूट पे जाती थी कोई पानी नहीं कुछ नहीं तो वो रह जाता था। बना रही थी तो मैंने देखा कोई वहाँ से मेरे सामने झाँक रहा है कि उनके बच्चों को कुछ कर तो नहीं रहे, वहाँ खेल रही है मम्मी। हो गया बाय। मैं आज आपकी टिप बता रही थी सबको कि आइस रखना चाहिए गर्मी में ना, गर्मी में आइस रख सकते हैं। कोने में रखना, किधर कोने में बताना जरा हाथ से, ऐसे कोने में, इधर कोने में रखना दोस्तों। देखिए इसमें ये तो जल जाएगा आइस से, उससे जल से रखोगे तो ठंडा ही रहेगी ना उसको। हाँ, उनको लगता रहेगा कि अभी बारिश और ठंडी चल रही है। नहीं नहीं एकदम गर्मी जब लू चलती है। नहीं नहीं प्लांट्स को मन में ऐसा लगेगा। हाँ ये बच्चे हैं इनको। हाँ मैंने बताया कि ये आपके बच्चे हैं रियल वाले। हाँ, ऐसा तुमको लगता है लेकिन ये बात भी करते हैं। हाँ हाँ जी, जो करता है उनको तो करते ही हैं, हमें तो अच्छी हवा दे रहे हैं। हाँ, और एक खुश हो जाते हैं पता है, जो पानी डालते हैं ना। डालते तो ये फ्रोश पानी जाता है, साफ हो जाता है। अच्छा बात है, मम्मी अपने प्लांट्स को नहला रही हैं अभी, उनका शावर चल रहा है। हाँ सावर से साफ होते हैं ना पत्ते, सामने धूल बहुत आ रही है, मकान बन रहा है ना। ये नहाते हैं तो खुश हो जाते। वो वाला मेरा फेवरेट है, उसको देना जरा। yes. हाँ क्या सुंदर रंग है इसके, बच्चा है अभी तो छोटा सा अभी लगा है। ये भी अच्छा है ना। हाँ गुलदस्ता बोलते हैं इसको, इसको गुलदस्ता बोलते हैं। हाँ तो इसमें फूल आएंगे? नहीं ऐसे आएंगे। अच्छा समझ गई, एक पे कितना आ रहा है कि वो गुलदस्ते ऐसा लग रहा है। ये ऐसे ओके, ये दिख रहा है इसको कितने हैं। राइट राइट, चारों तरफ ऐसा आएगा। मैंने बाजू में ये दो भी लगा दिए, फूल आ जाएंगे। इसको मैंने बांध बूंद के अनोखा बना दिया इसको। क्या बोलते हैं उसको, अलग ही हो गया ना ये। हाँ ये मम्मी ने एक्चुअली लेके उसमें एक प्लांट को ऐसे आते हैं बनाया, ऐसे ये भी लटके रहते हैं। मैंने इनको खड़ा किया। हाँ तो इसमें लगा कि ये भी इसका ही। हाँ गुलदस्ता आएगी ये ऐसे। हाँ, आएगा। राइट दिख रहा है ये। हाँ छोटे छोटे आए हैं, फूल भी आते हैं छोटे वाइट वाले। हाँ 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 ऐसे आदमी आए हैं, आया वो एक तो दिखा। हाँ, अभी बहुत सारा ऐसा आएगा, फिर ऐसे खड़ा बांध देना है उसको, हरे डंडे के लगाना है ताकि हमको दिखेगी वही हो प्लांट है। प्लांट है इसको वैसे सूर्यमुखी टाइप बोलते हैं वाले को।
कौन सा जिसको पानी दे रही है आप? हाँ। इसको सूर्यमुखी बोलते हैं, सूर्यमुखी टाइप है। हाँ हाँ, ऐसे देखोगे तो लग रहा है। हाँ, ये पूरा वैसे ही करेगा क्या? सन सन हाँ, सनफ्लावर। इसको कहते हैं ऑफिस प्लांट। और बाजू में दूसरा, इसका ऑफिस प्लांट क्यों कहते हैं मम्मी? क्योंकि ये सुबह 10 बजे खिलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। तो ये आया नहीं है, बारिश में आएगा। तो ये 10 बजे खिलता है और 6 बजे बंद हो जाता है, इसलिए इसको ऑफिस प्लांट कहते हैं। सबको नहीं पता है, मुझे नहीं पता था। जिन्होंने ये प्लांट देखा है ना, ये गिरा हुआ रहता है, मैंने बांध के इसको खड़ा किया। ओके ओके ओके, तो ये गिरा ही रहता है। ओके ओके। Could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. मैंने उसे कहा कि वो बोल रहा था कि इतना स्ट्रक फील कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ यार, ऐसा फील कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा कि स्ट्रक फील कर रहा है मतलब क्या, पेड़ है क्या तू? तो अभी तू जहाँ पे है वहीं पे रहेगा 150-300 साल तक। अगर स्ट्रक फील कर रहा है तो उठो, कहीं और चले जाओ। ये क्या है कि मैं इधर ही बैठा हूँ, इतने यही कर रहा हूँ, चेंज कर दो ना। यही नहीं हो रहा है तुमसे तो कुछ और कर लो ना। ये कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि मैं स्ट्रक फील कर रहा हूँ। पेड़ थोड़ी है एक ही मतलब एक ही टाइम पे इधर ही रहेंगे। अगर स्ट्रक फील करें तो कुछ और जाओ, कुछ और काम करो। क्या फ़र्क पड़ रहा है मतलब, जो भी सोचे लोग या जो भी है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो तुम स्ट्रक मत फील करो, क्योंकि वन लाइफ, वन टाइम, वन अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट टू लिव। स्पेशली कोरोना टाइम में तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज ओनली वन लाइफ एंड इट इज़ सो ईजी टू, मतलब वो जाना इतना आसान है। मतलब कितने यंग लोग भी इसमें जा रहे हैं, तो आई टोल्ड हिम डोंट गेट स्टक, डोंट बी अ ट्री, गेट अप, डू समथिंग एल्स। करेक्ट, ट्री भी वैसे स्टक नहीं होते ना। स्टक ही तो वो भी, उनकी भी रूट्स, उनकी भी रूट्स वो इधर उधर भेजते हैं दूर दूर तक अगर पानी नहीं है तो। हाँ, इट्स ओके। वो भी एक तरीका होता है ना, जैसे कुछ लोग यही करते हैं कि कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स खुद नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, वो एक तरीके से अपने बच्चों के लिए करते हैं और उन्हें यहाँ वहाँ भेजते ताकि वो जा पाए, है ना। पर कोई ऐसा बोले कि बस मैं यहीं पे हूँ और वो स्ट्रक हो गया हूँ, तो मतलब वो पोजीशन चेंज नहीं कर सकते ना पेड़। लेकिन तुम तो ह्यूमन हो ना, तुम्हें दो पैर दिए ना, तो तुम अपनी पोजीशन चेंज करो ना। मैं ये समझा रही थी। करेक्ट, अभी भी लग रही हूँ लॉकडाउन है, अभी भी लग रही हूँ। क्या लग रही हूँ, कहाँ देख अभी ऐसे? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। संजय थोड़ा वहाँ का हाल बताओ, क्या चल रहा है? सामने देखना, सामने इधर देख, इधर। ये करेक्ट है? हाँ सही है। ये नहीं, ये वही महाभारत का हाल। महाभारत ही चल रही है, मॉडर्न महाभारत चल रही है, तुम मानो। अभी अभी चल रही है भाई। और संजय बड़ा खतरनाक आ गया मॉडर्न महाभारत में। संजय डरा रहा है बहुत ज्यादा। संजय बहुत बहुत ऐसी चीजें दिखा रहा है भाई, मैंने संजय से दूरी कर ली है। संजय बोल रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, संजय बोल रहा है कि बेड्स नहीं है, संजय बोल रहा है वेंटिलेटर नहीं है, संजय बोल रहा है हम लोग सेकंड हाईएस्ट। संजय ने कल पता क्या बताया, संजय ने कल बताया कि कल जितने केसेस आए ना इंडिया में, वो सिंगल डे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड था। तो संजय कोई बहुत अच्छी बात नहीं बता रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ हमें ऐसा हो रहा है, अगर उस मिथ में वो जो कैरेक्टर है धृतराष्ट्र, उसके साथ कैसा हो रहा होगा? उसके कान में सुना रहा है बंदा कि अभी मर गया, अभी मर गया, अभी मर रहा है, मर रहा है, हाँ, और मरे, और मरे, और मरे, मरने वाले हैं, हाँ, आज का खत्म हो गया, हाँ, अब कल मरेंगे भाई। डेडली है मामला। से नो टू संजय। हाँ, मैं तो नहीं देखती न्यूज़ चैनल वगैरह कुछ भी। एक बार न्यूज़ पढ़ लिया फिर लोगों का तो वैसे भी कमेंट्स आ जाते हैं, या किसी का कुछ हो जाए तो व्हाट्सएप में नहीं बता ही देते हैं लोग।
इतने सारे ग्रुप्स में तो फिर नो न्यूज, पागल बना रहे हैं हमें। एग्जैक्ट वीडियोस दिखा दे रहे हैं यार, मतलब पहले संजय के केस में उनका तो काम है ना, उससे तो हम लोग को यार पता चलेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा। सही है, लेकिन पता नहीं, न्यूज़पेपर्स के टाइम भी तो पता चलता ही था ना, रिटन न्यूज़ में भी, जैसे तू बोल रही है कि पता कर लेती है, तो वो भी ठीक है, वेल इन्फॉर्मड है तू, ऐसा तो नहीं है कि तुझे कुछ नहीं पता। पर वो एंड में वही है ना कि क्या सूट करता है तुमको, किसी के लिए वो सूट करता है बेटर, मेरे को नहीं करता है यार। यहाँ पे फिर से वो छिपकली आ गई, दिखाऊं तुझे? दिखा दिखा दिखा, दिख रही है क्या? ओ शिट, कहाँ गई? ओ शिट, अंदर गई शायद वो, नहीं दिख रही। हाँ, क्योंकि वो कहीं तो चली गई है। ले, आज यहाँ पे बारिश हो रही है, दिख रहा है बाहर का? वाह यार वाह, बादल तो दिख रहे हैं मुझे, बारिश नहीं दिख रही। हो रही है इस टाइम क्या? इस टाइम अभी खत्म हुई, मम्मी मुझे बोल रही थी देख देख देख, पर मैं तब कुछ काम कर रही थी। यार मस्त है यार, यहाँ तो उसने वो कौन सी ऐप है, एक्यू वेदर क्या है वो, उसने बोला था कि आज बादल होंगे, कुछ बादल बादल नहीं है यहाँ पे। बादल ही है ना, अभी सनलाइट कम है तो बादल ही है। हाँ लेकिन ऐसे वाले चाहिए ना, जो देख रहा हूँ अभी मैं इधर, इस टाइप के चाहिए।